आजकल 14 साल से लेके 20 साल तक ये उम्र के लड़कों में कुछ प्रॉब्लम्स नजर में आ रहे हैं जो हमारे पास में लोग लेके आ रहे हैं, उसकी थोड़ी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। हो रहा क्या कि ऐसे लड़के 17-18 साल का लड़का है, हिस्ट्री ऐसी देते हैं कि पिछले 2-3 साल से प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ऐसा है कि बहुत डिमांड करता है, बहुत ही जिद्दी है। अभी मिल्क शेक होना मतलब मिल्क शेक ही होना, अभी पेन होना तो पेन होना मतलब तुरंत डिमांड, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बिल्कुल ही नहीं है, कांट फ्रस्ट्रेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। और फिर उसमें पढ़ाई नहीं करना, अभी तो पिछले 1 साल से लोग तो स्कूल कॉलेजेस बंद है तो घर में पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें मोबाइल लेके बैठना और मोबाइल के ऊपर फिर बाकी फालतू गेम्स खेलते जाना और मोबाइल का एडिक्शन, फिर मोबाइल के सिवा जमता ही नहीं, यूट्यूब लोग देख रहे, फेसबुक पे है और मोबाइल के अलग अलग गेम्स पे है, पढ़ाई के नाम से बूम, बिल्कुल ही पढ़ाई करना नहीं, पढ़ाई के लिए बोलो बोलो तो बोलो बहुत पीछे लगते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे लग गए तो एकदम अग्रेशन करना माँ बाप के ऊपर, और माँ बाप भी डर जाते हैं कि अभी लड़का बड़ा हो गया, 17-18 साल का हो गया, उसको कुछ कैसे बोले। कभी कभी दोस्तों के साथ में फिर बाहर निकल जाना, अभी समझो लॉकडाउन है या जो भी कुछ है, तभी भी ये ब्रेक करना रूल्स, कभी पुलिस ने चालान किया तो चालान भरना, घर की किसी की नहीं सुनना, पढ़ाई नहीं करना, आलसपना, मतलब रात को देर लेट लेट तक मोबाइल देखते रहो, फिर सवेरे 10-11 बजे उठो, 12 बजे उठो, और फिर माँ बाप को ये समझ नहीं आ रहा करना क्या लड़के का, थोड़ा सा और कुछ किया तो मारपीट भी करता बोले। मतलब अभी भी मुझे ऐसे केसेस मिले 3-4 कि भाई 15-16-17 साल का लड़का है और मारपीट करता है माँ बाप को, और माँ बाप सहन भी करते हैं, वो शराब भी पीता, शराब के लिए पैसे कहाँ से आता, बोले दोस्त लोग शराब पिलाते हैं, कभी कभी सिगरेट भी पीता है, हाँ दोस्त लोग पिलाते, अब दोस्त लोग कैसे क्या पिलाते फुकट में, आपका ख्याल कैसे नहीं है, कौन सा ऐसा दोस्त है रोज सिगरेट पिलाएंगे फोकट में या शराब पिलाएंगे फोकट में, या घर से पैसे उठाता हूँगा, घर से चोरी करता हूँ, आपको मालूम नहीं है, माँ बाप मारने को तैयार नहीं, माँ बाप लगता नहीं अकेला लड़का है उसका लाड़ प्यार करो, फिर बचपन से ही हमने उसको बहुत प्यार किया हुआ है, अब ना कैसे बोलूँ, बहुत जिद करता है, कभी कभी आंख पे आता है, फिर वो तो पूरा करना ही पड़ता है, उसके ऊपर खर्चा उतना, उसको बोलते भी नहीं कि नहीं चलेगा नहीं है। मेन थिंग जो हो रहा है प्रॉब्लम वो है डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है घर में, जो मर्जी चाहे वैसा लोग अपने अपनी तरह से व्यवहार कर रहे हैं, और बच्चों को कोई कंट्रोल नहीं माँ बाप का। ये जो लड़का है ये अभी मेरे पास में कल आया था, माँ इसके पिताजी को मतलब एरोगेंटली बात करता, उल्टा जवाब देता है, वो कोसेगा कुछ बोलेगा, कभी हाथ भी उठाएगा, मतलब भाई आप अलाउ कैसे करते हैं, बोला आपके पिताजी कैसे थे, बोले हमारे पिताजी जब हम छोटे थे बोले तो हमारे पिताजी के आंख में आंख मिलाने की हमको हिम्मत नहीं थी, बोला इतने कड़क थे, बोले हाँ इतना कड़क थे, बोला आप क्यों नहीं, फिर आपको क्या हो गया, आपका लड़का आपको मार रहा है, आपके यहाँ खा रहा है, आपके यहाँ पी रहा है, आपके यहाँ कपड़े आपके यहाँ आके पहनता है, आपका पैसा खर्चा करता है, आपके यहाँ आके सोता है, सब करता है, उल्टा आप मार दिखाते हो उसका, ये क्या लगा है। तो ये अभी ये जो पेरेंट्स की जो है ना जनरेशन, इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चों में क्या प्रॉब्लम है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि उनका जो परवरिश होना चाहिए वो परवरिश ठीक नहीं हो रहा, अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, बोले क्या करूँ वो तो अभी बड़ा हो गया हाथ उठा देता है तो क्या करने का है, बोले भाई पुलिस कंप्लेंट करो, आपसे नहीं हो रहा, नहीं बोले पुलिस कंप्लेंट कैसे करना, मतलब भाई पुलिस को कॉन्फिडेंस में लो, खोटा बोलो कुछ तो भी कागज़ तैयार करो, उसको अंदर बिठाओ एक दिन, वैसे बाहर बिठाओ, पुलिस आने के खाली चक्कर काटने दो, कुछ तो करो, आप नहीं कर सकते तो उसको कोई डिसिप्लिन नहीं है, कभी भी खाना कभी भी उठना, पढ़ाई नहीं करना, खर्चे करना और मन माने जैसा करना, कभी वायलेंस इतना हो जाता है, कभी नींद ही नहीं आती, फिर बैठता है नींद नहीं आई करके, तो ये बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है बजाय साइकोसिस का, पर्सनैलिटी चेंजेस होते जा रही है, और ये कारण इसका है पेरेंट्स, तो अभी पेरेंट्स के लिए ज़रूरत है कि वो कुछ इसके बारे में करें, पेरेंट्स खुद में अनुशासनता लाए, डिसिप्लिन लाए, क्योंकि पेरेंट्स भी तो वैसे ही कर रहे, बच्चों को क्या बोलेंगे, तो पेरेंट्स खुद अनुशासन लाते हो, डिसिप्लिन लाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो हम पेरेंट्स की काउंसिलिंग करते हैं, फिर बच्चों को समझाओ, मेरा मैं बच्चों को कुछ नहीं समझाता, बच्चों को क्या समझाऊँ मैं, बच्चा तो आपके संपर्क में है 24 घंटा, बच्चों को मैं कुछ नहीं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा माँ बाप को, हम पेरेंटल काउंसिलिंग करते हैं,
पेरेंटिंग काउंसलिंग करके उनको टास्क देते कि अभी ये हफ्ते में इतना टास्क करो, ये हफ्ते में इतना टास्क करो, ये करके मेरे को बताओ आपका फीडबैक क्या है, ये करके बताओ फीडबैक क्या है। आप आपके बच्चे को जिम्मेदार नहीं बना रहे हो, बहुत डिपेंडेंट बना रहे हो, नंबर एक। नंबर दो, आप बहुत डर रहे हो। नंबर दो तीन, डिसिप्लिन नहीं है, बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है। नंबर चार, आप खुद डिसिप्लिन में नहीं है। तो ये सब चर्चाएं होती रहती है जब हम काउंसलिंग करते हैं, ताकि माँ बाप को समझे कि ऐसे बच्चों को कैसा पालन पोषण करना या इनको ऐसे बड़ा करना ताकि आगे चल के अच्छे नागरिक बने। क्योंकि ये तो लड़का 18-20 साल का है और इस तरह की हरकतें कर रहा है, पढ़ाई नहीं करना, पढ़ाई के नाम पे बोम्ब है, लेट उठना 11-12 बजे सुबह, बाकी समय मोबाइल खेलते जाना, तो इसका भविष्य कौन तैयार कर रहा है या कौन बिगाड़ रहा है? माँ बाप सपोर्ट कौन कर रहा है? बोले नहीं मानता ही नहीं है। बोले मानता नहीं यार, ये कैसे क्या है, मानता नहीं है। तो जब जिम्मेवारी से करेंगे तो होगा, मतलब बहुत ही साइकोटिक हो गया, बहुत आपको मारपीट कर रहा है। आप हमारे यहाँ उसको भर्ती कर सकते हैं, दाखिल कर सकते हैं, हमारे यहाँ विद रिलेटिव्स दाखिल करने की व्यवस्था है। रिश्तेदारों के साथ में हम लोगों को दाखिल करते हैं, रिश्तेदारों के अलावा लोगों को हम दाखिल करते हैं, अकेले रखते हैं पेशेंट को, उसको डिसिप्लिन लगाते हैं, दवाइयाँ देते हैं। वैसा नहीं मानता है तो नहीं मानता है, बहुत ही ऐसा लगा कि साइकोटिक है, बहुत ज़्यादा साइकोटिक है, सुसाइडल थ्रेट देते रहता है, होमिसाइडल थ्रेट देते रहता है, उसको हम शॉक ट्रीटमेंट भी देते हैं काम पड़ा तो, और उसको हम ठीक करते हैं। तो इस तरह से उनको मैंने काउंसिलिंग किया। सभी माँ बाप को ये बोलना है कि पहले आपको खुद को देखना पड़ेगा, अपने में ऐसा क्या लाना जरूरी है कि जो आप लाते हो तो बच्चा ठीक हो जाएगा। आपका खुद का डर निकालना पड़ेगा, नहीं ये बच्चा बड़ा हो गया है, अपन ने उसको कुछ मारा पीटा तो वो अपने को मारेगा, इज्जत बाहर चले जाएगी, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि भाई इस तरह के बच्चे आते रहेंगे और हमको करना काउंसिलिंग, वो माँ बाप को काउंसिलिंग करना है। जिसको भी और अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे नंबर दिए हैं, उसके ऊपर पेरेंट्स हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।